हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फीज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जोए सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार, घटिया, पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड, स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत, जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार, घटिया, पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड, स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार, घटिया, पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड, स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है,
ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले,
उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है?
यह आपके द्वारा इस कार्य में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने जमाने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार्य में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में
और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट। कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा 232.3 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी 773.3 मिलियन डॉलर की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट। कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा 232.3 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी 773.3 मिलियन डॉलर की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो।
सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन,
based on Guardians of Galaxy by Dan Abnett, Andy Lanning. Produced by Kevin Feige. Star cast है क्रिस प्रैट, जॉय सेल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा। एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न। म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट। कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा। रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन। बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग। प्रोड्यूस्ड बाय केविन फीज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सेल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा। एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न। म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट। कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है,
ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं,
जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार, घटिया, पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड, स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है।
मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा
122 मिनट, कंट्री US, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा 232.3 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी 773.3 मिलियन डॉलर की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 US में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री US, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा 232.3 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी 773.3 मिलियन डॉलर की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा,
एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोन. म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स. प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स. फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में. फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट. कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश. बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की. द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है. मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है. आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है. वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं. एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं. इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है. साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं. सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है. हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं. आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा. रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन. बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग. प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज. स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो. सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा. एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोन. म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स. प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स. फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में. फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट. कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश. बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की. द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है. मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है. आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है. वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं. एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं. इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है. साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं. सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है. हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं. आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा. रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन. बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग.
प्रोड्यूस्ड बाय केविन फिज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जोए सेल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान हुनसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फिज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जोए सेल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान हुनसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है।
हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पैरलमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रस्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है, यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है,
साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार, घटिया, पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड, स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसु, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स। प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश। बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इसके बारे में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार, घटिया, पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड, स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं।
एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूस विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार, घटिया, पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड, स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप 4 एलियन और 1 इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूस विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है।
मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा $232.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी $773.3 मिलियन की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार्य में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 यूएस में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा
122 मिनट, कंट्री US, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा 232.3 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी 773.3 मिलियन डॉलर की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी का, जिसको डायरेक्टेड किया गया है जेम्स गन द्वारा, रिटन बाय जेम्स गन, निकोल पर्लमैन, बेस्ड ऑन गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी बाय डैन एवनेट, एंडी लैनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज। स्टार कास्ट है क्रिस प्रैट, जॉय सैल्डाना, डेव बॉटिस्टा, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, ली पेस, माइकल रूकर, करेन गिलेन, डिजमान होंसू, जॉन सी रिलाय, ग्लेन क्लोज, बेंसियो डेल टोरो। सिनेमाटोग्राफी दिया गया है बेन डेविस द्वारा, एडिटेड बाय फ्रेड रास्किन, क्रेग वुड, यूज विनबोर्न, म्यूजिक बाय टाइलर बेट्स, प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स। फिल्म का रिलीज डेट रहा 21 जुलाई 2014 डॉल्बी थिएटर में और 1 अगस्त 2014 US में। फिल्म का रनिंग टाइम रहा 122 मिनट, कंट्री US, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट रहा 232.3 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म ने कमाई करी वो करी 773.3 मिलियन डॉलर की। द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिरकार बाहर आ गया है और यह कैसा है? यह आपके द्वारा इस कार में की गई हर उम्मीद से मेल खाता है। मूलतः यह एक बेहद मज़ेदार घटिया पुराने ज़माने का अंतरिक्ष साहसिक कार्य है जिसमें सुपर हीरो की छाप है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए अभिभावक एवेंजर्स के बिल्कुल विपरीत है। वे जोर से बोलने वाले, उद्दंड स्वतंत्र स्वभाव के हैं और सबसे बढ़कर मानव या मनुष्य के रूप में हैं, जैसे कि आप चार एलियन और एक इंसान हो सकते हैं। एवेंजर्स के विपरीत जब आकाशगंगा को बचाने की बात आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस फिल्म में इतना कुछ है कि आप वास्तव में इसे एक पैराग्राफ में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि हास्य बढ़िया है, एक्शन नॉन स्टॉप है, ड्रामा दिलचस्प और वास्तव में दिल को छू लेने वाला है, साउंड ट्रैक शानदार है और अधिकांश सुपर हीरो टीम के विपरीत हैं। सभी अभिभावक अपनी तरह से 100% अद्भुत हैं।